हाय माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सब ठीक है, आप कैसे हैं? मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। I know बेटा, be strong, सब ठीक हो जाएगा। हाँ माँ, आप ठीक कहते हैं, मुझे ही सब सही करना पड़ेगा। बिल्कुल, और पति पत्नी में कभी कभी लड़ाई हो जाती है, तो उसकी बात माना कर बेटा, फिर देखना हाथ उठाने की नौबत ही नहीं आएगी। हाँ माँ। और याद रहे, जो तेरी बड़ी बहन डिवोर्स करके बैठी है ना, उसे थोड़ा दूर रह, और तू बस जल्दी से उसे बच्चा दे दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। जी, हमारे जमाने में जिस घर में शादी होती थी, उसी घर से अर्थी निकलती थी। पति के पैरों में ही स्वर्ग है। पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, पर जब तुम मुझे बिना बताए किसी से भी फोन पे बात करती हो ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब तुम भी सॉरी बोलो। बोलो। बोलो, आगे से नहीं करूंगी। बोलो। सॉरी। नेहा, नेहा, ये शर्ट प्रेस नहीं किया मेरी अभी तक? मैंने की, मैं दोबारा कर देती। नहीं नहीं, घड़ी का है? चाय के लिए अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ, नहीं, मैं लाती हूँ। चाय सर पे रख दे। ये चाय है, शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम काम तो अच्छे कर लिया कर। जितनी काली शक्ल है उतनी काली चाय बना के लाई है, जा यहाँ से। जी, आपका टिफिन। तेरी माँ ने तुझे कुछ भी सिखा के नहीं भेजा है क्या? हैं? ये भी नहीं पता पीछे से आवाज नहीं लगाते? गवार कहीं की, पूरा दिन खराब कर दिया। ऐसा नहीं है दीदी, उन्हें कभी कभार गुस्सा आ जाता है। और वैसे भी गलती मेरी ही थी, मुझे उन्हें इस तरह पीछे से टोकना नहीं चाहिए था। वेक अप नेहा, जस्ट लिसन व्हाट यू आर सेइंग। वो तेरे फोन कॉल चेक करता है, तुझे मारता है, तेरी इंसल्ट करता है, मतलब और बचा क्या है? मैं तेरी बहन हूँ और वो तुझे मुझसे तक बात नहीं करने देता है। I don't get it यार, अगर कल को तेरे बच्चे हो गए तो तू ऐसे इंसान के साथ बच्चे पालना चाहेगी? हाँ, जस्ट डिवोर्स हिम, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट डिवोर्स हिम। जस्ट बिकॉज आपने डिवोर्स कर लिया उसका मतलब ये नहीं कि मैं भी कर लूं। आपको पता है मैं आपके लिए कितनी परेशान रहती हैं। I will make this marriage work, देख लेना आप। और वैसे भी माँ कहती है कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, ये भी हो जाएगा। बच्चा, listen, शादी सब कुछ नहीं होती है। और ऐसी शादी से अच्छा है डिवोर्स। Please listen to me, please, just divorce him.
दिया प्लीज आज के बाद मुझे फोन मत करिएगा। नेहा मेरी क्या है ये क्या है पकड़ क्या है ये क्या मैसेज कर रही तेरी बहन तुझे है? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। क्या प्रॉब्लम है तुझे? नहीं बोल क्या प्रॉब्लम है तुझे। बस जल्दी से उसे बच्चा दे दे फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे आपको कुछ बताना है। क्या? मेरा मतलब आप और मैं। क्या मैं क्या बकरी की तरह मैं करती रहेगी कि बोलेगी भी आगे? मैं प्रेग्नेंट हूँ, आप और मैं पेरेंट्स बनने वाले हैं। तो प्रिकॉशंस नहीं ले रही थी? किसने कहा था तुझे प्रेग्नेंट होने के लिए? क्या लगा तुझे मैं ढोल बजवाऊंगा? तेरे जैसी लड़की के साथ कोई बच्चा बच्चा नहीं चाहिए मुझे। कल डॉक्टर के पास जाना और ये सब खत्म करके आना, समझी? वरना मैं कर दूंगा। अगर कल को तेरे बच्चे हो गए तो तू ऐसे इंसान के साथ बच्चे पालना चाहेगी? हाँ नेहा, खाना बनाएगी? मेहंदी लगा के बैठी है हाथों में। ये क्या कर रही है? कुछ पूछ रहा हूं तुझसे। आपको मैं पसंद नहीं हूं। कहते हो मैं काली हूँ, गवार हूँ, बदसूरत हूँ, इतनी खराब हूँ कि आप मेरा बच्चा तक गिराना चाहते हो। तो मैंने सोचा आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? ये मेरा घर है और मैं तेरा मर्द हूँ। मेरा जो मन करेगा ना तेरे साथ करूंगा, समझी? असली मर्द अपनी औरत पर हाथ नहीं उठाते।
घर की बात, तो ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा है। और किसे मिलेगा, किसका फैसला हम कोर्ट में करेंगे। वैसे आपको अपने रहने की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको जेल हो जाए, ताकि आपके रहने और खाने का इंतजाम हो जाए। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक कहते हैं, मुझे ये सब सही करना पड़ेगा। मेरी जैसी कितनी लड़कियां हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस अब्यूज चुप चुप कर सह रही हैं। उनसे बस इतना कहना चाहूंगी, सहना मत, फाइट बैक। और जहां तक फाइट बैक की बात करें, तो मैं तो कंटेंट का कीड़ा के लिए फाइट बैक करने वाली हूँ। आपको पता है 100 में से 98% व्यूअर्स जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, सिर्फ 2% कर रहे हैं। सो उनको थैंक यू। एंड बाकी आप सब, लाल बटन फ्री है, सो प्लीज सब्सक्राइब अस सो दैट हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियां बनाते हैं। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।